नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जहां राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर सियासत जारी है, दरअसल बीजेपी का आज दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन है। रमेश बिदूरी के नेतृत्व में बीजेपी का ये प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में पानी के संकट को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर सियासत जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी का दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन है। बता दें कि रमेश बिदूरी के नेतृत्व में बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। राजधानी दिल्ली में चूंकि पानी का संकट काफी लंबे समय से बरकरार है, ऐसे में जहां एक तरफ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हुई है, उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि जब तक दिल्ली में पानी की कमी पूरी नहीं होती है, पानी की किल्लत को सरकार दूर नहीं करती है, केंद्र सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती, तब तक वो इसी तरह से अनशन पर बैठी रहेंगी। वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले में सियासत देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी की तरफ से रमेश बिदूरी के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन चल रहा है और इसी कड़ी में पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है प्रदर्शनकारियों पर। साथियों, हमारे बीच में हमारी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और इस तुगलकाबाद क्षेत्र की जनता के लिए, जो अनेकों वर्षों से, 10 वर्षों से लगातार पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि संजय कलोनी के अंदर एक एक टैंकर के अंदर 100-100 पाइप, 150-150 पाइप डालकर पानी पीते हैं, अपने अपने तुगलकाबाद के अंदर मात्र एक दो मोहल्लों को एक एक परिवार 4-4, 10-10 दिन, 12-12 दिनों के वो पानी पाए। वो हमारे सांसद जी जब विधायक थे, उस समय में बोर कराए गए थे, जब वो बोर कराए थे तो उस गली के अंदर 100 घर थे, लेकिन आज उसी गली के अंदर 400-300 घर है, उसी बोर पर जब 100 घर पानी पिया करते थे। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। चूंकि राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर लगातार सियासत हावी है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, हरियाणा सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, दिल्ली में पानी का संकट लगातार बरकरार है और इस संकट से उबारने की बजाय अब तमाम राजनीतिक दल सियासत करने पे उतारू हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी अनशन पर बैठी हुई है, केंद्र सरकार को लगातार ऐलान कर रही है कि जब तक दिल्ली में पानी की समस्या को दूर नहीं किया जाएगा, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक वो अनशन नहीं खत्म करेंगी। दूसरी तरफ से ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, वो बीजेपी की प्रदर्शन की है, ऐसे में कैसे दिल्ली की जनता को पानी की समस्या से निजात मिल पाएगी? देखिए, जिस तरीके से आज जो बीजेपी की तरफ से पूर्व एमपी रमेश बिदूरी ने जो प्रोटेस्ट किया आज ओखला में, उसे और दिल्ली पुलिस ने जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके संजय कॉलोनी ये सब इलाके में पानी की काफी किल्लत है, यहाँ पर कम से कम 2 महीने से पानी नहीं आ रहे थे। वहाँ के लोकल लोगों ने रमेश बिदूरी से संपर्क किया, उन्होंने आज प्रोटेस्ट का यहाँ पे किया, मगर जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा जो है पूरी तरीके से पानी को लेकर सियासतबाजी जो चल रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं हो रहा, इसी को देखते हुए आतिशी जो जल मंत्री हैं वो उपवास में बैठी हुई हैं आप भोगल आश्रम में, कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान है पानी के लिए और देखना होगा ये पानी की छुटकारा कब मिलती है। जी बिल्कुल शहनवाज, हालांकि पानी को लेकर के निजात कब मिल पाएगी ये देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया पुलिस की तरफ से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर, चूंकि बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार प्रदर्शन नहीं हो रहा, इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया जा चुका है और कल भी प्रदर्शन की तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, जहां एक शख्स अपने सर पे सिल्ली, बर्फ की सिल्ली लेकर के जा रहे थे। तमाम ऐसे प्रदर्शन की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, लेकिन इस बीच अब पुलिस भी सख्त होती हुई नजर आ रही है, बल का प्रयोग पुलिस की तरफ से भी शुरू हो गया है। देखिए, जिस तरीके से पानी की जो किल्लत है,
अभी कुछ दिन पहले जो छतरपुर में भी प्रोटेस्ट हुए थे, वहां पर दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस का शीशा तोड़ दिया गया था। उसके बाद जो है संगम बिहार के एक विधायक आम पब्लिक जो है आतिशी के घर पर बाल्टी मग लेके चले गए कि हमको आतिशी जी पानी दे तब हम नहाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जो प्रोटेस्ट हुए हैं, अभी बीआरटी रोड में भी प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसमें भी जो है दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से मिला गया था। वहाँ जो है बांसुरी स्वराज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं वीरेंद्र सचदेवा वहाँ पर थे, मगर आज जिस तरीके से रमेश बुधरी जो पूर्व सांसद हैं उनके आह्वान से जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, बैरिकेड जो लगाए गए थे पुलिस के तरफ से वहाँ जिस तरीके से तोड़ा गया है, उसको लेकर पुलिस जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यानी के पानी की जो पॉलिटिक्स है लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल शहनवाज, आतिशी अनशन पर बैठी हुई है, आरोप हरियाणा सरकार पर भी लग रहे हैं कि पानी नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने पानी की जरूरत थी, जितने पानी की मांग की गई थी, उतना हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह के आरोप हरियाणा सरकार पर लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि 100 एमजीडी पानी अभी भी हरियाणा की तरफ से कम दिया जा रहा है। हालांकि स्थिति इस पर कब तक ऐसे ही तनातनी की बनी रहेगी ये भी देखने वाली बात है, लेकिन इस पूरे मामले में अब आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर होता जा रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से आज आम आदमी ने हरियाणा के खिलाफ जो है दिल्ली गेट पे प्रोटेस्ट किए हैं, आम आदमी ने शोएब इकबाल जो विधायक हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया तुर्कमान गेट पे, कहीं न कहीं जिस तरीके से कोर्ट में मामले पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को कहा पानी देने के लिए, हरियाणा, ये कहीं न कहीं यहाँ पॉलिटिक्स तो है ही, मगर इसमें कोर्ट को भी आना पड़ा। और जिस तरीके से हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहे हैं, क्या मकसद है, अब ये देखना होगा। कभी बीजेपी जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो है आम आदमी जो है हरियाणा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखना होगा जिस तरीके से पानी की किल्लत है, लोगों को पानी से निजात कब तक मिल पाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।